पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद मेडिकल स्टोर से मास्क गायब हो गए। कराची में सर्जिकल मास्क 500 रुपए तक फरोख्त होने लगा। आम मास्क के डब्बे की कीमत 300 से 1000 तक बढ़ गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद मास्क की मांग में गैर मामूली इजाफा हुआ। इसके बाद मार्केट में मास्क की कमी वाकई हो गई। कराची के मेडिकल स्टोर से मास्क गायब हो गए। सर्जिकल मास्क 500 रुपए तक फरोख्त होने लगे। आम मास्क का डब्बा पहले 300 से 400 रुपए तक का था, जिसकी कीमत अब 1000 रुपए से भी बढ़ गई। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मास्क की बरामद पर पाबंदी के बावजूद चीन को 10,000 N95 और 36,13,000 आम मास्क बरामद किए गए। हुकाम वजारत सेहत का इस हवाले से मौकफ है कि पाकिस्तान में मास्क की मस्नूई किल्लत जखीरा दोजों ने कर रखी है, जबकि दूसरी जानिब कस्टम हुकाम ने लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए बैरून मुल्क जाने वाली मुसाफिर से 43 किलो वजनी मास्क बरामद कर लिए। कोरोना वायरस से हिफाजती तदाबीर के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले मास्क की मुल्क भर में महंगे दामों फरोख्त के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि अद्वियात और मास्क की आम शहरियों को फराहमी हुकूमती जिम्मेदारी है, जबकि इसके बरक्स जखीरा दोजों ने मास्क मार्केट से गायब कर दिए।